हेलो गाइस, आई एम मुकेश कुमार एंड यू आर वाचिंग जेपी गर्ल्स कॉलेज नाड़ू। गाइस, कल की क्लास में हमने एडजेक्टिव के टॉपिक के ऊपर चर्चा की। कल हमने सीखा कि एडजेक्टिव क्वालिटी क्या होता है। गाइस, आज हम एडजेक्टिव क्वांटिटी के ऊपर बात करेंगे। गाइज, एडजेक्टिव क्वांटिटी को हिंदी में मात्रावाचक या परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। क्या होता है? वह शब्द जो वाक्य में किसी वस्तु की मात्रा को व्यक्त करता है उसे मात्रावाचक या परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। डेफिनेशन को ध्यान रखना है गाइज आपने। क्या? An adjective quantity shows the quantity of a thing. कि adjective जो quantity होता है, ये किसी वस्तु की मात्रा को व्यक्त करता है। ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? Adjective of quantity कहेंगे। Guys, ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनका प्रयोग adjective of quantity के रूप में होता है? ध्यान दीजिएगा। For example, The little hare it is. Guys, इन शब्दों का प्रयोग adjective quantity के रूप में होता है। Some, all, enough, sufficient, little, a little, the little, etc. किस प्रकार से आपने इनका प्रयोग करना है guys? Example से हम देखते हैं। ध्यान दीजिए। For example, sugar. Look this sentence, guys. I have some sugar. In this sentence, some का प्रयोग guys वाक्य में adjective of quantity के रूप में किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये sugar की मात्रा को व्यक्त करता है। तो some को आप क्या कहोगे? Adjective of क्वांटिटी को। इसी प्रकार से गाइस, ही एट ऑल द फूड, उसने सारा भोजन खा लिया। इस वाक्य के अंदर गाइस ध्यान दीजिएगा, जो ऑल शब्द है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि फूड की मात्रा को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से गाइस ध्यान दीजिएगा, इनफ का प्रयोग भी होता है। जैसे सी हैज इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा है। इस वाक्य के अंदर गाइड जो इनफ शब्द है ये मनी की मात्रा को व्यक्त करता है और ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मनी को हम गिन सकते हैं। गाइस, ये सत्य है, मनी को गिना जा सकता है, लेकिन मनी जो है ये मात्रा के अंदर रखा जाता है। तो कभी मनी वर्ड आता है ये हमेशा ही लिक्विड फॉर्म में यूज होता है। तो इसलिए मनी से पहले जो इनफ यूज हुआ है गाइज ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से गाइज देखिएगा, मोनू हैज सफिशियंट वोटर। मोनू हैज सफिशियंट वोटर, मोनू के पास पर्याप्त पानी है। तो यहाँ पर पानी की मात्रा को व्यक्त करता है क्या? सफिशियंट। तो सफिशियंट को क्या कहोगे आप? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहोगे। तो ऐसे शब्द होते हैं गाइज जो किसी वस्तु की मात्रा को व्यक्त करते हैं, इसलिए इन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। इसी प्रकार से गाइस देखिएगा,
The whole property was divided. Look this sentence, guys. The whole property was divided. पूरी संपत्ति को बांटा गया था. In this sentence, जो whole शब्द है ये adjective of quantity के रूप में प्रयोग हुआ है. तो इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग adjective of quantity के रूप में होता है. एक बात और आपने ध्यान रखना गाइज, adjective of quantity के बाद हमेशा ही वाक्य के अंदर uncountable noun का प्रयोग होता है. अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, ये आपने ध्यान रखना है. इन एग्जांपल में देखो, सुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. प्रॉपर्टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन. तो जब भी एडजेक्टिव क्वांटिटी को आप फॉलो करते हो, यूज करते हो, तो इनके पश्चात हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन का अपने प्रयोग करना है. गाइस, अब हम बात करते हैं लिटल, ए लिटल, द लिटल के ऊपर. इन शब्दों का प्रयोग भी एडजेक्टिव क्वांटिटी के रूप में होता है, किया जाता है. ध्यान से आपने देखना है गाइस, लिटल, लिटल का प्रयोग वाक्य में नेगेटिव सेंस में होता है. मात्रा में न के बराबर जब भाव व्यक्त होता है तो वहां पर आपने लिटल का प्रयोग करना है. जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, जैसे देयर इज लिटल वॉटर इन द पिचर. लुक दिस सेंटेंस गाइज, देर इज लिटल वॉटर इन द पिचर. मटके में पानी नहीं है, अर्थात ये नेगेटिव सेंस को व्यक्त करता है. तो लिटल क्या है यहां पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में प्रयोग हुआ है. इसी प्रकार से गाइस ध्यान दीजिएगा, अ लिटल, अ लिटल का प्रयोग वाक्य में थोड़ी सी मात्रा के लिए होता है. फॉर स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी सी मात्रा को व्यक्त करने के लिए अ लिटल का प्रयोग होता है. फॉर एग्जांपल गाइस, उदाहरण के तौर पर, अ लिटल A little knowledge is a dangerous thing. Look this sentence guys. A little knowledge is a dangerous thing. कम ज्ञान हानिकारक होता है. तो इस वाक्य के अंदर जो a little है ये adjective of क्वांटिटी के रूप में यूज हुआ है, जो पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है. इसी प्रकार से गाइस, द लिटल शब्द का प्रयोग पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए होता है, विशेष मात्रा के लिए. किसका प्रयोग करना आपने, द लिटल शब्द का प्रयोग करना है. फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, जैसे कविता हैज wasted the little food. She had. Look this sentence, guys.
कविता हैज वेस्टेड द लिटिल फूड सी हैड। कविता ने उस भोजन को खराब कर दिया जो उसके पास था। तो पर्टिकुलर मात्रा को शो करता है। तो इस प्रकार से आपने द लिटिल का प्रयोग करना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लिटिल नेगेटिव सेंस में आता है जहां पर ये मात्रा को ने के बराबर व्यक्त करता है। अ लिटिल का प्रयोग थोड़ी सी मात्रा के लिए होता है, फॉर स्मॉल क्वांटिटी। द लिटिल का प्रयोग पर्टिकुलर मात्रा के लिए होता है। तो इस प्रकार से आपने इनका प्रयोग करना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल से देखिएगा कैसे आपने ऑप्शन को चूज करना है। सुमित हैज स्पेंट मनी ही हैड। लुक दिस सेंटेंस गाइज, सुमित हैज स्पेंट ब्लैंक द मनी ही हैड। ऑप्शन दिया जाएगा आपको और कि हम यहां पर लिटिल का प्रयोग करें, बी कि हम यहां पर अ लिटिल का प्रयोग करें, सी कि हम यहां पर द लिटिल का प्रयोग करें, डी कि हम यहां पर क्यू का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से ऑप्शन में आपको तीनों मिलेंगे। तो सेंस देखना है आपने कि सुमित हैज स्पेंट ब्लैंक मनी ही हैड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ही हैड है गाइज, ये पर्टिकुलर मात्रा की तरफ संकेत करता है। तो ऑप्शन में आप क्या चूज करोगे, सी ऑप्शन द लिटिल, कि सुमित हैज स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, कि सुमित ने उस पैसे को खर्च कर दिया है जो उसके पास था। तो इस तरह से आपके पास आएगा और आपने ध्यान से ऑप्शन को देख के उसको चूज करना है। तो आई थिंक गाइस आपको स्पष्ट हो गया कि एडजेक्टिव क्वांटिटी क्या होता है। एग्जाम में आएगा तो अच्छे से आप इसको समझ गए हो और आई थिंक ऑप्शन को चूज करने में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक आपसे नहीं होगी। सो गाइस आज की क्लास में हम यहीं तक लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगली टाइप के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।